तालियों से उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। आज का यह महत्वपूर्ण कार्यक्रम, विशेष कार्यक्रम, प्रेरक व्याख्यान जो विशेष तौर पर आज रखा गया है, निश्चित तौर पर हम सबके लिए, हम सबके प्रबोधन की दृष्टि से, हम सबके मार्गदर्शन की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में आज का यह कार्यक्रम हमारे बीच स्थापित होने वाला है। मैं टीम स्वरांजलि के सदस्यों से आग्रह करता हूं, कृपया वो मंच पर आए और आप सब डीएवी गान के लिए खड़े रहे अपने अपने स्थान पर। टीम स्वरांजलि। प्रबल प्रवाह मई नित नूत जीवन दायिनी सदा सनातन वेद प्रणीता परम पुनीता ये धारा अक्षय दिए भी जय जय दिए भी जय जय दयानंद से प्रेम भक्ति ले हंस राज से त्याग शक्ति ने धर्म भक्ति का राष्ट्र शक्ति का वो दिन मानो दे दिए भी जय जय दिए भी जय जय सुख समृद्धि इसकी रहे प्रेम शांति इसके तट ठहरे सघन शांति में प्रबल कांति में लिए अटल निश्चय दिए भी जय जय दिए भी जय जय। धन्यवाद। डीएवी की शाखा के रूप में, एक महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान के रूप में हंसराज कॉलेज अपनी गरिमा में यात्रा के 75 वर्ष पूरे कर चुका है और उस क्रम में कार्यक्रमों की श्रृंखला के क्रम में आज का यह विशेष कार्यक्रम, मैं आग्रह करता हूं जो आज के इस कार्यक्रम के केंद्र में है, जिन्हें हम सब सुनने के लिए उपस्थित हुए हैं, आदरणीय गुरु पवन सिन्हा जी और कॉलेज की प्राचार्य प्रोफेसर रमा मैम से आग्रह है कि दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करें। अब मैं आग्रह करता हूँ कॉलेज की प्राचार्य रमा मैम से कि आज के इस कार्यक्रम में जो हमारे बीच जिनकी गरिमा में उपस्थिति है, जिनके उद्बोधन से हम सब लोग संवर्धित होने वाले हैं, ऐसे आदरणीय गुरु पवन सिन्हा जी को कॉलेज की ओर से पौधा और भेंट देकर उनका स्वागत करें, सम्मान करें। स्वागत की जगह उनसे आशीर्वाद लें। सब लोग उनसे आशीर्वाद लें। याद रखें मैं चाहूंगा कि इस अवसर पर हमारे परिवार की मुखिया शीर्ष पर जिनके मार्गदर्शन में, जिनके नेतृत्व में इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन होता है, आदरणीय रमा मैम को पौधा भेंट कर, रोमिला मैम जो कि कार्यक्रम की संयोजक हैं, उन्हें पौधा भेंट कर उनका भी अभिनंदन करें, स्वागत करें। आज का यह कार्यक्रम मोटे तौर पर इस ध्येय के साथ आयोजन किया गया है कि हम सबको अपने से, हम सब अपना आत्म साक्षात्कार करें, अपने से परिचित हों, अपने को पहचाने, अपने आत्मबल को पहचाने, अपने अंतर्निहित शक्तियों को पहचाने और उसका उपयोग, सही अर्थों में कहें तो उसका सदुपयोग कैसे करें, इस पर केंद्रित आज का यह व्याख्यान है। तो आदरणीय पवन जी हमें अपनी आंतरिक शक्तियों से हमारा परिचय करवाएंगे, लेकिन इससे पहले मैं संक्षेप में पवन जी के परिचय में कुछ बात कहना जरूरी समझता हूँ। आदरणीय पवन जी बहुआयामी व्यक्तित्व और कृतित्व के धनी है। आप क्या शिक्षा का क्षेत्र है, क्या राजनीति विज्ञान का क्षेत्र है, क्या अध्यात्म का क्षेत्र है, क्या ज्योतिष का क्षेत्र है, जिस भी किसी महत्वपूर्ण क्षेत्र में देखें उनकी न केवल दखल है बल्कि महत्वपूर्ण उपस्थिति और मार्गदर्शन है। निरंतर समाज को, राष्ट्र को, देश को लगातार मार्गदर्शन देते रहे हैं। शिक्षा
का अधिकार जैसे विषय पर आपने पीएचडी की है, आपने एमफिल रक्षा और विकास जैसे विषय पर की है, मोतीलाल नेहरू कॉलेज जो अपने ही परिवार का एक कॉलेज है, हंसराज कॉलेज की तरह दिल्ली विश्वविद्यालय का एक महत्वपूर्ण कॉलेज, उस कॉलेज में आप राजनीति विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के रूप में तो अपना महत्वपूर्ण योगदान दे ही रहे हैं। देश विदेश में भारत, भारत बोध, भारतीयता, भारतीय संस्कृति, भारतीय ज्ञान परंपरा से संबंधित विविध आयामों पर निरंतर व्याख्यान आदि के माध्यम से युवाओं को सुसंस्कृत बनाना, उनके नेतृत्व के विकास के लिए काम करना और कुल मिलाकर समाज में रचनात्मक सकारात्मक भावबोध का प्रसार और विस्तार हो, इस दृष्टि से निरंतर आप समाज का, राष्ट्र का मार्गदर्शन और बोधन देते रहे हैं बहुत सारे प्रकल्पों के माध्यम से। तो स्कूल शाला आश्रम, स्कूल शाला जो परियोजना है इनका वो हो, या फिर और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण राष्ट्र की दृष्टि से और रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कार्यों के माध्यम से भी देश और समाज में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि बलोच का क्या रणनीतिक महत्व है। तो हिंद बलोच फाउंडेशन के पूर्व अध्यक्ष के रूप में हो या राष्ट्रीय सैनिक संस्था के संस्थापक के रूप में हो, ऐसे बहुत सारे राष्ट्रीय शैक्षिक सामरिक सांस्कृतिक प्रकल्पों और परियोजनाओं के माध्यम से देश और समाज को अपनी सेवाओं से, अपने ज्ञान से, अपने मार्गदर्शन से आलोकित करने वाले आध्यात्मिक गुरु, चिंतक, शिक्षाविद आदरणीय प्रोफेसर पवन सिन्हा गुरु जी हमारे बीच मौजूद हैं। आप सबसे आग्रह है एक बार पुनः आप जोरदार करतल ध्वनि से उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। और मैं इससे पहले कि उन्हें अपने वक्तव्य के लिए सादर आमंत्रित करूं, हमारे ही हिंदी विभाग के प्राध्यापक आदरणीय डॉक्टर गुंजन कुमार झा जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आए और हम सबके बीच अपनी प्रस्तुति दें। आदरणीय गुंजन झा जी, आप सभी को मेरी ओर से प्रणाम और स्वागत। इस महत्वपूर्ण अवसर पर एक विद्यापति जी का गीत है, जय जय भैरवी असुर भयाउ, तो वो दो पंक्ति गाकर उसके बाद मैं आदरणीय पवन सिन्हा जी को हम यहाँ आमंत्रित करेंगे। जय जय भैरवी असुर भयाउनी, पशुपति भामिनी माया, जय जय भैरवी असुर भयाउनी, पशुपति भामिनी माया, सहज सुमति वर दिए गोसाउनी, सहज सुमति वर दिए गोसाउनी, अनुगति गति तुम पाया, जय जय भैरवी असुर भयाउनी, वासर रैन सवासन शोभित चरण चंद्र मणि चूड़ा, वासर रैन सवासन शोभित चरण चंद्र मणि चूड़ा, कतौ कदैत्य मारी मुँह मेलल, कतेक उगिली करु कूड़ा, जय जय भैरवी असुर भयाउनी, सामर बरण नयन अनुरंजित जलद जोग फूल को का, कट कट विकट ओट पुट पाणरी लिधुर फेन उठ फोका, जय जय भैरवी असुर भयाउनी। और देखिएगा अंतिम इसकी, इसका अंतिम पंक्तियां, और
शब्दों का चयन कि घन 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 न घुघुरा कत बाजया, घन 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 न घन 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 न घुघुरा कत बाजया, हन हन कर तुवकाता विद्यापति कवि तुव पद सेवक, विद्यापति कवि तुव पद सेवक, पुत्र बिसरु जनि माता जय जय भैरवि असुर भयाउनी, पशुपति भामिनी माया। आदरणीय पवन सिन्हा जी अनुभूत हैं कि वो आए मंच पर और शुभारंभ। माँ भारती को नाम करता हूँ अपने इस गुरु और आप सभी लोगों के शुभ माता पिता को नाम करता हूँ। कार्यक्रम का जो प्रारंभ हुआ है उसने जो ऊंचाइयाँ प्रदान कर दी हैं उसके आगे जो भी कुछ होने वाला है वो फीका लगेगा। हम सब की आदर की पात्र प्रेरणा स्रोत और बहुत ही ममतामयी जो आपके महाविद्यालय के प्राचार्य भी हैं ऐसी प्रोफेसर रामा जी को मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ। मंच पर मेरे साथी जो भी थे डॉक्टर विजय मिश्र जी, संयोजिका डॉक्टर रोमिला जी जिनको भी आपने सुना, ऐसे डॉक्टर कुंजन जी और उड़ान के पूरी टीम और उसके संयोजक श्री विकास जी, यहाँ उपस्थित सभी बच्चे, मेरे सहयोगी, मेरे वरिष्ठ जन, मेरे अनुज, उन सबको मैं हृदय से अपना प्रणाम प्रस्तुत करता हूँ, कृपया स्वीकारिएगा। मैं जो आज बात आपसे करूँगा थोड़ी बात, और मेरा ये निवेदन रहेगा कि बच्चे प्रश्न जरूर करें क्योंकि मोनोलॉग से डायलॉग हमेशा बेहतर होता है। हम लोग बहुत सारी बातें सुन लेते हैं लेकिन यदि मन में जो संदेह उत्पन्न होता है या मन में जो प्रश्न उत्पन्न होता है यदि उसका समाधान मिल जाए तो और अच्छा रहता है। मैं ये पक्का तो नहीं कह सकता कि आपको समाधान दे पाऊंगा लेकिन मेरे जो अपने जीवन के अनुभव हैं उससे संबंधित मैं कुछ बातें आपसे करूंगा। जीवन में जो हमारे अंदर सबसे बड़ी शक्ति है जिसे मैं दैवीय शक्ति कहता हूँ या आप भी दैवीय शक्ति कहते होंगे, शास्त्र में भी जो दैवीय शक्ति कही जाती है वो दैवीय शक्ति ही हमारे अंदर सबसे परम शक्ति है। और दिव्यता क्या है? पॉजिटिविटी और कुछ नहीं है। दिव्यता का अर्थ ये नहीं है कि मैं हाथ ऐसे करूँगा कोई फूल आ जाएगा या मैंने यूं किया और आपके पास थालियां पहुंच गईं, ये फिल्मी दिव्यता हो सकती है, ये सीरियल्स की दिव्यता हो सकती है। लेकिन जो दिव्यता जिसका वर्णन हमारे उपनिषद करते हैं, जिसका वर्णन हमारे पौराणिक कहानियां करती हैं, जिसका वर्णन हमारे ऋषि करते हैं, विद्वान जिन करते हैं, वो उस दिव्यता का अर्थ है पॉजिटिविटी, सकारात्मकता,
समय के अनुसार बहुत सारे शब्द नए गढ़े जाते हैं, पुराने शब्दों के अर्थ भी बदल जाते हैं। टेक्नोलॉजी भी बहुत सारे शब्दों को इंट्रोड्यूस करती है, लेकिन जो दिव्यता का मैं आपको अर्थ बता रहा हूँ या जो मैं जान पाया वो है सकारात्मकता। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है और वो ये है कि सकारात्मकता क्या इतनी बड़ी शक्ति होती है कि हम उससे अपने जीवन को बदल सकते हैं? मेरा मोटिवेशन यहीं से शुरू होता है। मेरा मोटिवेशन आजकल जिस प्रकार के मोटिवेशन चल रहे हैं, वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मोटिवेशन थोड़ा सा डिफरेंट है, और जो हमारा मोटिवेशन है, जो ओरिएंटल मोटिवेशन का स्टाइल है, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। उसमें भी भारत का थोड़ा और डिफरेंट है क्योंकि हम बहुत व्यवहारिक बात करते हैं। अगर मैं आपसे ये कहूं कि तुम 14,000 फीट की एक चोटी पे खड़े हो जाओ और नीचे कूद पड़ो, तुम कूद सकते हो, कूद के देखो, कुछ नहीं होगा, कूद जाओ, क्या होगा? आप कूद गए उस मोटिवेशन से और कूदने के बाद उसी पहाड़ पे कहीं विलीन हो गए। ये व्यवहारिक नहीं है। ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, यू कैन अचीव एनीथिंग यू वांट, या एक आजकल एक कॉन्सेप्ट चल रहा है कि जिस का तस्वीर करोगे, मतलब जिसके बारे में सोचोगे वैसे बन जाओगे। मैं सच में बहुत साल सोचता रहा मैं अमिताभ बच्चन बन जाऊं, लेकिन नहीं बन पाया। उसमें भय और उत्पन्न हो गया कि कहीं जो मेरी पहचान थी वो ना खो दूं। इसलिए जो तुम हो वो बेस्ट हो, उसी को और बेहतर करने की कोशिश करो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके अंदर अद्भुत क्वालिटीज हैं। आप किसी भी फील्ड के लोगों को उठाकर देख लीजिए, विजन बड़ा हो, काम बड़ा हो, हारने का भय ना हो, और हार गए तो काम को छोड़ना ना हो, तो ऐसे व्यक्ति चाहे बेचकर भी कहां से कहां पहुंच सकते हैं। और ये मेरा पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है, मैं जो दूसरी बात कह रहा हूं वो भी समझिएगा। IIT वाले भी चाय बेचने को तैयार हो जाते हैं, बेच रहे हैं चाय। उस नाम से ऐसी बहुत सारी ऐसी एक ब्रांड है और भी बहुत सारी ब्रांड्स हैं। तो ये डिपेंड करता है कि हम किस काम को कैसे करते हैं। कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता। एक बार एक व्यक्ति से मेरी भेंट हुई आगरा में, मिलने आए थे, बहुत अच्छे लग रहे थे, और उन्होंने मुझे एक कहानी सुनाई जो सच्चाई से उत्प्रोत थी। मैंने बताया मैं अव्यवहारिक बातें ना सुनता हूं ना करता हूं, और वैसे भी जब हम वेदांत परंपरा से आते हैं तो अव्यवहारिकता जैसी कोई चीज होती नहीं, जो है सो व्यवहार है। दंत कथाओं से किसी को मंजिल नहीं मिलती है, सीखने समझने का मौका तो मिल सकता है। उन्होंने कहानी सुनाई कि एक व्यक्ति थे, घर में फाके पड़ते थे, भूखा रह जाता था परिवार, और वह जूता गांठते थे, और जूता गांठते गांठते उन्होंने इस तरीके से अपने आप को कॉरपोरेट कल्चर में ढाला कि आज वो एक इंटरनेशनल ब्रांड है। वो व्यक्ति इंटरनेशनल ब्रांड है, और उस व्यक्ति के अंडर में काम करने वाले लोग CEO हो सकते हैं, लाखों रुपए की सैलरी उनकी हो सकती है, लेकिन ये वो नहीं हो सकते। मैं ये नहीं कह रहा नौकरी करना बुरा है, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं, जिसे मैं एक शेर के माध्यम से कहता हूं अक्सर, बहुत लोग हुए जो वक्त के सांचे में ढल गए,
बहुत लोग हुए जो वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ हुए मगर जो वक्त के सांचे बदल गए। ये भीतर की शक्ति है, ये सोच है, ये विजन है, ये उस विजन का एग्जीक्यूशन है। और कैसा एग्जीक्यूशन? जिसमें भय नहीं है, जिसमें हिम्मत है, जिसमें दूसरे की रेखा को मिटाना नहीं है, अपनी रेखा को बड़ी करना है। ये पॉजिटिविज्म है और यही उस भारत की दिव्यता है। जब हमारे हृदय इतना विशाल हो जाता है, जब हमारे पास बहुत बड़ा विजन हो जाता है, तो छोटी मोटी चीजें देखने का वक्त नहीं रहता। हमेशा याद रखना बच्चों, लंबी रेस के घोड़े झाड़ियों में कभी नहीं उलझते। और जो लोग झाड़ियों में उलझते यानी छोटी मोटी बातों में फंसते हैं, वो ये लिख के रख लें कहीं और दीवार पे टांग दें कि वो लंबी रेस के घोड़े नहीं है। किस्मत से कुछ बन जाए तो बन जाए, बाकी कुछ नहीं होगा। इसलिए हमेशा ये कोशिश कीजिए कि बड़ी सोच हो, और बड़ी सोच के लिए एक प्रोग्राम ऑफ एक्शन डिजाइन कीजिए। ऐसे ही सोचने से बड़ी सोच पूरी नहीं होगी। प्रोग्राम ऑफ एक्शन क्या है, डूज और डोंट्स क्या है? अगर आप फौज में जाना चाहते हैं लेकिन 12 घंटे सोए बिना आपका काम नहीं चलता तो कैसे चलेगा, कैसे कुछ होगा? यदि आप यूपीएससी करना चाहते हैं, पढ़ने में मन नहीं लगता, यदि आप प्रोफेसर होना चाहते हैं लेकिन आर्टिकल लिखना नहीं आता, कैसे चलेगा काम? यदि आप अकाउंट्स में बहुत हायर पोजीशन पे जाना चाहते हैं लेकिन डिजिट लिखने में डर लगता है आपको, तो हमें डूज और डोंट्स, जो हम बनना चाहते हैं उसके कुछ डूज होते हैं, उसके कुछ डोंट्स होते हैं। हमेशा ये याद रखिए, जो हम बनना चाहें उसके डूज को एक्सेप्ट करें और डोंट्स को छोड़ते चलें, तब हमारी लाइन बड़ी होगी, अन्यथा हमारी लाइन सिमट के रह जाएगी। इस भारत का जिन लोगों ने निर्माण किया उसमें से ज्यादातर लोग गरीब तबके थे, कैसे थे ज्यादातर लोग? ये तो अब 89 के बाद से जो एलपीजी सिस्टम आया देश के अंदर, एक ग्लोबल विलेज हुआ भारत, और आज जिस तरीके से भारत उन्नति तरक्की कर रहा है और पर कैपिटा इनकम बढ़ती चली जा रही है, ये आज के भारत की तस्वीर है। जब आप अपनी बहुत सारी सुविधाओं के साथ जन्म लेते हैं, लेकिन पुराना जो भारत है वो वैसा नहीं था। बहुत सारे लोग एजुकेशन भी प्राप्त नहीं कर पाते थे, बहुत सारे लोग कई कई किलोमीटर पैदल इसलिए चलते थे कि बस के 50 पैसे नहीं होते थे। ये इसी दिल्ली की बात बता रहा हूँ, उस हॉल में भी ऐसे लोग होंगे, जबकि बस के किराए कितने से होते थे। उन लोगों ने भारत का निर्माण किया। तो कभी ये मत सोचिएगा कि आपके पास यदि साधन नहीं है तो आप कोई निर्माण नहीं कर सकते। निर्माण के लिए साधन से ज्यादा दिमाग की जरूरत होती है, और दिमाग की जो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है वो है सकारात्मक सोच, खुश रहने की आदत। और एक कॉन्फिडेंस देती है सकारात्मक सोच कि मैं कर लूंगा, और यही आत्मविश्वास सबसे बड़ा गुरु है। यही आत्मविश्वास भरने वाले को गुरु कहते हैं, क्योंकि वह आपको प्रकाश की ओर लेके जाता है। इसलिए पॉजिटिवली सोचिए, छोटी छोटी बातों में मत उलझो। मैंने बहुत सारे बच्चों को अपना जीवन खराब करते हुए देखा, छोटी छोटी बातों में लड़ रहे हैं, मोबाइल पर इधर उधर उधर इधर कर रहे हैं, निंदा रस में लिप्त हैं, भीगे हैं, कुछ नहीं मिलता। अल्टीमेटली मिलता उसको है जो लगातार अपनी एफर्ट्स कर रहा है। और ऐसी जिंदगी भी क्या जिसके पास बहुत कुछ है, पैसा, प्रतिष्ठा, पद, लेकिन खुशी नहीं है। तो जिंदगी का जो फलसफा है उसमें एक ओर प्रसिद्धि है, प्रतिष्ठा है, अचीवमेंट है, तो दूसरी ओर खुशियां भी हैं। और अगर आप खुश नहीं रह सकते तब ये सब बेकार है, क्योंकि बीमारियां आपको घेर लेंगी,
और खुद से ही आप नाराज रहने लग जाएंगे। एक वक्त ऐसे आता है बच्चों, जब आप बड़े होने लगते हैं तो खुद से नाराज रहने लगते हैं कि मैंने अपना टाइम वेस्ट कर दिया। वो वक्त जीवन में कभी नहीं आने देना, क्योंकि वो एक ऐसा अपराध बोध अपने अंदर पैदा हो जाता है जिसको करेक्ट करने का समय ये जिंदगी नहीं देती है। इसीलिए खुश रहने के लिए जरूरी है वो दिव्यता, विशाल हृदय, विशाल मस्तिष्क, बड़ी सोच, निडरता, और जो ठान लिया उसके डूज और डोंट्स लिखिए, और जितने डूज चाहिए वो अपने अंदर भरने का प्रयत्न कीजिए, जितने डोंट्स होते हैं वो अपने अंदर से निकालिए, आगे बढ़ते चले जाइए। क्या ईश्वर, क्या गुरु, क्या माता पिता, सब आपकी मदद करने को आमादा हो जाएंगे, सब आपकी मदद करेंगे। दूसरी बात जो मैं यहां कहना चाहता हूं, सबसे बड़ी पावर पॉजिटिविटी के बाद यदि कुछ अंदर है, सबसे बड़ी पावर जो बाकी समस्त शक्तियों की जन्मदात्री मैं कह सकता हूं, वो पावर है पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। आप कितना एकाग्र रह सकते हैं, और जिंदगी में छोटी छोटी सी चीजें होती हैं, बहुत छोटी छोटी सी चीजें जहां आप अपनी एकाग्रता की शक्ति को टेस्ट कर सकते हैं। आज मान लीजिए सचिन तेंदुलकर की बात करते हैं। सचिन तेंदुलकर क्यों पसंद आपको आता है? सचिन तेंदुलकर पसंद क्यों आता है? इसलिए क्या वो बहुत स्मार्ट है? क्या उसके पास वो कौन सी बड़ी तेज भागने वाली गाड़ी है इसलिए? नहीं, उसके खेल की वजह से। और उसका खेल क्या है? 120 किलोमीटर पर आर की आती हुई बॉल को वो ना केवल देखता है बल्कि जज करता है, और जहां उसे शॉट मारना होता है वहां शॉट मार सकता है। बाकी खड़ा हो जाए उसके बॉल के आगे जो डर रहा है या जिसमें कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, आपका इतना समूह इतना बड़ा कर देगी बॉल। ये पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है, ये पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है। अब हम बॉलीवुड में मान लीजिए अमिताभ बच्चन ही को देख लेते हैं। पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, एक एक डायलॉग का, एक एक वर्ड का, एक एक अक्षर, उस पर एम्फसिस देना, और कैसे एम्फसिस देना है, उसका तलफ्फुज जो होता है वो एकदम ठीक हो, एक सामान्य सा शब्द अगर ढंग से बोला जाए तो एक इंपैक्ट क्रिएट करता है। कई बार फेल हुए आप सब लोग जानते हैं, वो आवाज जो कहीं एक्सेप्टेबल नहीं थी वो आवाज हमारे दिलों की धड़कन बन गई। काम किया उन्होंने उसके ऊपर, और यही कॉन्सेंट्रेशन होता है कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें आपका इन्वॉल्वमेंट कितना डीप है। गलतियां वहां ज्यादा होंगी, ऐसे तो ह्यूमन बीइंग है तो सामान्यतः गलतियां होती हैं, लेकिन गलतियां वहां ज्यादा होती हैं जहां कॉन्सेंट्रेशन वीक होता है। आप क्लास के अंदर 50 मिनट्स का एक लेक्चर यदि अटेंड नहीं कर सकते तो जिंदगी में बहुत बड़े काम नहीं कर सकते। अब लेक्चर अटेंड करना, दो चीजें हैं जो एक साथ चल रही हैं, एक स्थूल यानी आप एज ए बॉडी बैठे हुए हैं, और एक सूक्ष्म आपका दिमाग वहां लगा हुआ है जहां से आवाज आ रही है। दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। मैं यहां स्वामी विवेकानंद जी का एक उदाहरण दूंगा, ये मेरठ की बात है, ऐसा यद्यपि अनेक जगह हुआ लेकिन मेरठ की बात खास है, क्यों हमारे पास में है इसलिए।
एक लाइब्रेरी है घंटाघर में, आज भी है, आप लोग कभी जाइए तो वहाँ ज़रूर विजिट कीजिएगा। और उनके हाथ के नोट्स वाली बुक्स आज भी हैं वहाँ, आप लाइब्रेरियन से निवेदन करेंगे तो वो निकाल के दे देंगे, अदरवाइज़ वो बहुत प्रेशियस है तो अलग रखते हैं। वो लाइब्रेरी में बंद हो गए, सुबह को जब लाइब्रेरियन आते हैं तो अपना आराम से पढ़ रहे हैं इस वक्त, लाइब्रेरियन उनसे जाकर पूछते हैं, जवाब नहीं मिलता फिर उनको हिलाते डुलाते हैं, हाँ क्या कह रहे हैं आप, ऐसे करके वो कहते हैं, लेकिन वो सो नहीं रहे थे, पढ़ रहे थे। 5-6 किताबें रखी हुई थी जिसमें 2 तो आपको अभी भी मिल जाएंगी, वहां रखी हुई ब्लू ब्लैक इंक में वो लिखते थे। तो उनसे कहा कि ये कौन सी बुक्स हैं, बोले ये वो बुक्स हैं जो मैंने रात भर में पढ़ ली। उन्हें विश्वास नहीं हुआ, रात में तुम इतनी बुक्स कैसे पढ़ सकते। एक एनसाइक्लोपीडिया वाली घटना भी है इसी से मिलती जुलती, तो उन्होंने कहा कि मैंने ये सारी रात में ये बुक्स पढ़ ली। बोले इम्पॉसिबल। तो उन्होंने कहा पूछ के देख लो, दिस इज कॉल्ड कॉन्फिडेंस, आप कहीं से भी पूछ के देख लीजिए। अब वो पन्ने पलट, और ये भी मैं आपको बता दूं कि जो बुक्स उन्होंने पढ़ी थी वो उनका सब्जेक्ट नहीं था, और ना केवल उन्होंने वो बुक्स पढ़ी थी बल्कि उस पर नोट्स भी लिखे थे। इतनी गहरी अंडरस्टैंडिंग एक रात में डेवलप करना, पूछते गए वो सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, और स्वामी विवेकानंद कौन से प्रश्न पर क्या उत्तर है ये बताते गए, ये बताते गए। ये मेमोरी कैसे आती है, कॉन्सेंट्रेशन से। आपकी पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन क्या है, और गलतियां वो करते हैं, चाहे वो खिलाड़ी हों, चाहे वो शूटर्स हों, चाहे वो फोर्सेस में हों, चाहे वो शिक्षक हों, किसी भी प्रोफेशन में हों, गलती वो करता है जिसका कंसंट्रेशन वीक होता है। अभी गुंजन जी ने एक बहुत प्यारा गीत गाया, वो उस गीत में इन्वॉल्व थे इसलिए अच्छा लग रहा था। उस गीत को शायद मैं गाऊं बिना इन्वॉल्व हुए अच्छा नहीं लगेगा, वो उसमें वो इतने इन्वॉल्व थे कि उसका एक हिस्सा बन गए थे, इसलिए वो जो शब्द भैरवी निकलता है, भैरवी भैरवी, वो जो शब्द है वह उसमें इन्वॉल्व है, और यही इन्वॉल्वमेंट कहलाता है कॉन्सेंट्रेशन। आप अपने काम को कितनी गहराई तक कर सकते हैं, और इसी से आप अपने पांव पर खड़े होते हैं। 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक जिनके जो अपने मम्मी पापा के पांव पर खड़े हैं, यानी पिताजी कुछ दे गए या दे रहे हैं, और उसके आधार पे वो मजा ले रहे हैं और अपना नाम बता रहे हैं, और दूसरे वो जो हमेशा इस विश्व के अंदर वंदनीय होते हैं, वो होते हैं जो अपना रास्ता खुद बनाते हैं। और अपना रास्ता खुद बनाने वाला व्यक्ति दिव्य कहलाता है, दिव्य विभूति से उसको देखा जाता है, कहा जाता है, और बाकी तो ठीक है, वो लोग कुछ भी हो जाएं, ब्रांड नहीं होंगे। उनके पापा ब्रांड हो सकते हैं, मम्मी ब्रांड हो सकती है, उनके ब्रांड पे अपनी ब्रांडिंग वो कर रहे हैं, लेकिन उनके पास अपना कुछ नहीं है। और ये बहुत बुरी अवस्था होती है, मैं तो पास भी नहीं बिठाता ऐसे लोग। जिस
व्यक्ति में ताकत ही नहीं कुछ करके दिखाने के अपने दम से, उसके पास भी क्यों बैठना, क्योंकि उसकी नकारात्मकता हमें प्रभावित कर सकती है। और जो व्यक्ति सकारात्मक होगा उसके पास जा जाकर बैठना चाहिए, क्योंकि उसकी सकारात्मकता हमें प्रभावित अवश्य करेगी। एक मुनि जी का मैं उदाहरण देना चाहूंगा। गोमुख के पास बुजवास एक जगह है, वहां उनके साथ अक्सर बैठते थे। उस समय लगभग 100 वर्ष की उनकी आयु थी। गंगोत्री से एक लाइन बिजली की लेकर एक बल्ब जला लेते थे। उनके पास 5,000 पुस्तकें थी और वो उस उम्र में भी बिना पढ़े जपे ध्यान किए सोते नहीं थे उस उम्र में। और वो जो पुस्तकें थी, आप कहीं से कुछ भी पूछ लीजिए, 5,000 बुक्स। और मैं उन किताबियों की बात नहीं कर रहा हूँ, मोटी मोटी किताबों की बात कर रहा हूँ। पूरा एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका उनको याद था। कॉन्सेंट्रेशन, ये जो बड़ी अजीब सी स्थिति बन भी गई है, कुछ बना भी दी गई है, जिसमें हम संतों को बेवकूफ समझते हैं। ये 1857 के बाद अंग्रेजों की एक बड़ी महती चाल थी, उसकी चर्चा नहीं करेंगे अभी। लेकिन इनके पास इमेंस पावर होती है, इंक्लूडिंग पावर ऑफ नॉलेज। ऐसे ही कोई नहीं बन जाता ऋषि। फाइव थाउजेंड बुक्स। उसके बाद आगे आई ये स्थिति, तो तब बता रहा हूं जब वहां पर दिन बहुत छोटा होता है और जाड़ों में टेम्परेचर वहां पर -30 तक पहुंच जाता है। ये मैं उस समय की बात बता रहा हूं, ये उस स्थान की बात बता रहा हूं। आधुनिक भारत में देखिए बाबा साहब अंबेडकर को, 50,000 बुक्स की लाइब्रेरी। आपको क्या लगता है कि वो एक ही विषय पर बोलते थे? उनकी लाइब्रेरी में सारे विषय थे और हर विषय को बहुत गहराई से उन्होंने पढ़ा था, समझा था। कदाचित सबसे बड़ा पुस्तकालय उनका था, निजी पुस्तकालय उस वक्त में। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, और ये पढ़ाई तब तक नहीं हो सकती जब तक आपका कॉन्सेंट्रेशन कमजोर है। अगर कॉन्सेंट्रेशन वीक है ना, स्वर जो गाने में स्वर है वो ढंग से नहीं लगेगा। और छोड़िए, कॉन्सेंट्रेशन यदि वीक है तो आप पतंगबाजी नहीं कर सकते, दिमाग कहीं और होगा। आप गाड़ी नहीं चला सकते ढंग से, टक्कर मारते हुए चलेंगे या खुद गिरेंगे। एक फूल नहीं लगा सकते, लगाएंगे तो टेढ़ा लगाएंगे। This is the power of concentration. आप memory अगर अपनी बेहतर करना चाहते हैं, power of concentration is must for that. और आज के युग में, हमारे युग में बहुत ज्यादा opportunities नहीं थी, काम कम नहीं था, काम बहुत किया है। ऐसा नहीं है मेरी पीढ़ी या मेरी पुरानी पीढ़ी ने कुछ किया ही नहीं है, केवल मोबाइल लेने से ही हमको ये एडवांस दिखाई देते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन आज की पीढ़ी के आगे एक बहुत बड़ी चुनौती है, या आज के युग में रहने वालों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है, और वो ये है कि आपको मल्टी डायरेक्शनल होना पड़ेगा। गिरते पड़ते भी हर व्यक्ति 3-4 काम करता है, गाड़ी भी चला रहा है, बच्चे भी देख रहा है, परिवार भी देख रहा है, नौकरी भी देख रहा है, नौकरी में और जो गड़बड़ होती है या करता है वो भी देख रहा है।
बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, और बच्चों के सामने तो और बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। उड़ान के सारे बच्चों से मैं इस चीज़ को ज़रूर कहना चाहूँगा कि आपके पास इतने चैलेंजेस हैं कि एक स्ट्रॉन्ग ब्रेन आपको चाहिए, और ब्रेन में 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं, और वो 100 बिलियन न्यूरॉन्स फालतू की बातों से भर जाते हैं, उससे अपने आप को बचाइए। तो आपके पास एक ऐसी महाशक्ति है आपकी स्कल के भीतर, ऐसी महाशक्ति है जिसको यदि आपने ठीक कर लिया, ऑर्गेनाइज कर लिया, तो आप जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं, चाहे वो अच्छा लेखन हो या कोई और प्रोफेशन हो, अच्छा भाषण हो, अच्छा इंटरेक्शन हो, परिवार को देखना हो, नौकरी करनी हो, बिजनेस करना हो। तो आज ये दो बातें मैं आपसे करके अपनी बात पूरी करूंगा, क्योंकि ये तो बहुत सारे क्वालिटीज हैं, लेकिन हम फिर नंबर ऑफ क्वालिटीज में चले जाएंगे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, और टेक अवे हमारा बहुत कम हो जाएगा। इसलिए मैं दो ही विषयों पर बात कर रहा हूं, और मैं कंक्लूड कर रहा हूं, एक पॉजिटिव रहिए प्लीज। हम जितनी मुसीबतें खड़ी करेंगे उससे 4 गुनी ज्यादा मुसीबतें हमें झेलनी पड़ेंगी, ये डिवाइन जस्टिस है। दूसरी बात, पॉजिटिव रहने से हमारी बहुत सारी क्वालिटीज अपने आप बाहर निकलनी शुरू होती है। बड़ा हृदय, बड़ा मस्तिष्क, बड़ा मस्तिष्क होगा, बड़े आइडियाज होंगे, बड़े आइडियाज में हम अपना कंसंट्रेशन के साथ काम करेंगे, निडरता के साथ काम करेंगे, ना जाने कितनी ऊंचाइयों पर हम पहुंच सकते हैं। और अपने पैरों पर खड़ा होना सीखे, बैसाखियों का सहारा उठवा लीजिए। ये बहुत दुर्भाग्यशाली अवस्था होती है किसी भी मनुष्य की। तो इन्हीं बातों के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ, यदि आपका कोई प्रश्न हो, क्योंकि मैंने जानबूझकर अपनी बात कम करी, क्योंकि आपके प्रश्न होंगे और मुझे बहुत अच्छा लगेगा इफ़ यू आस्क सम क्वेश्चंस, इफ़ यू डिस्कस योर उन प्रॉब्लम्स, एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, मैं कोशिश करूंगा उत्तर करने की। आपने भी कहा कि पॉजिटिव रहो, सारा दिन सब लोग कहते हैं पॉजिटिव रहो, लेकिन पॉजिटिव रहे कैसे? वातावरण में तो इतनी सारा तरफ नेगेटिविटी रहती है, हर तरह से ही नेगेटिविटी है। एक पॉइंट तो अच्छा हो ही गया, चलो भाई हंसराज कॉलेज में आगे पॉजिटिविटी मिल रही है, लेकिन जीवन के अंदर पॉजिटिव रहने के लिए जो और तंत्र है वो भी थोड़ा ज्ञान मिल जाए तो अच्छा रहे। देखिए, मैं एक चीज को मानता हूं, अपने पैरों पे खड़ा होना, तो आदमी क्या हुआ, दूसरे से प्रभावित हो गया नकारात्मकता से। मतलब मैंने अभी इस बात को कहा कि जो नकारात्मक लोग हैं उनसे डिस्टेंस बनाएं। डिस्टेंस बनाने का मतलब ये नहीं उन्हें तज दें, उनके बिना भी काम नहीं चलना, लेकिन जो पॉजिटिव है उसके पास जाकर बैठना होगा। हम किसी भी विकार को कभी समाप्त नहीं कर सकते, लेकिन हमारे पास चॉइस जरूर होती है कि हम उस विकार से प्रभावित हों या ना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसी ही एटमॉस्फेयर में काम करते हैं लेकिन वो प्रभावित नहीं होते, ये भीतर का कॉन्फिडेंस है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऋषियों ने भी इसी एटमॉस्फेयर में काम किया, आज भी तमाम विद्वान हैं, संत हैं जो समाज में आके काम करते हैं, वो भी इसी माहौल में काम करते हैं। बहुत सारे बड़े बड़े ऑथर्स हैं, राइटर्स हैं, कवि हैं, वो भी इसी माहौल में काम करते हैं। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हो रही बारिश में हम भीगे कि अपना छाता खोलें, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, और इसके लिए थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हमें चाहिए, और वो कॉन्फिडेंस आता मस्ती से।
ठीक है तुम अपनी जगह फिट, मैं मेरी जगह फिट, चलो काम तो तुमसे ही लेना है, तुम्हारे साथ मैं काम जरूर कर लेता हूँ, लेकिन ये मत सोचना कि तुम मुझे डिस्टर्ब कर पाओगे, नेवर अलाउ एनीबॉडी टू डिस्टर्ब, तभी हो सकता है, हम उसे ख़त्म नहीं कर सकते। राम जी के समय में भी था ये, कृष्ण जी के समय में भी था, कौटिल्य के समय में भी था, हर्षवर्धन के समय में भी था, ये तो लोग रहते हैं। असुर हर जगह है, सुर भी हर जगह है, तो हम सुरदार रहते हैं या असुरदार बन जाते हैं ये हम पे डिपेंड करेगा। दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट एंड आई वर रियली एक्सपेक्टिंग दिस क्वेश्चन। कॉन्सेंट्रेशन को इम्प्रूव करने के लिए सबसे पहले मेंटल लेवल पर हमारा फोकस क्लियर होना चाहिए, हमें करना क्या है, और हम वो करें जिसमें हम पूरी तरह रच बस सकें। कॉन्सेंट्रेशन 50% तो इसी से इम्प्रूव हो जाएगा। दूसरी बात, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन रूटीन इज वेरी एसेंशियल फॉर कॉन्सेंट्रेशन। अगर हमारी रूटीन डिसिप्लिन नहीं है तो कफ या वात बढ़ा हुआ रहेगा। जब कफ यानी फ्लेम बढ़ा हुआ रहता है तो हम कभी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते, और जब हमारी वात बढ़ी हुई रहती है तो अत्यधिक चंचल हो जाते हैं, जैसे ये बच्चे हैं पीछे। तो अत्यधिक चंचल जब आप हो जाएंगे तो जीवन में कोई भी काम ढंग से नहीं कर पाएंगे, सब कुछ आधा अधूरा होगा। तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने के लिए, कुछ प्रकार के मसाले या नमक या भोजन वो हमें छोड़ना चाहिए, जिसमें एक है सोडियम मोनोजाइट और दूसरा है अजीनोमोटो, और इसका इंटेक दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अब देखिए ये जनरेशन जो है ये ऑक्सीटोसिन पी रही है सुबह, नाश्ते में अजीनोमोटो ले रही है और लंच में सोडियम मोनोजाइट ले रही है। इसकी वजह से हमारा पूरा जो मेंटल मेकअप है ये डिस्टर्ब हो जाता है, और पेरेंट्स को भी चूंकि नहीं पता इसलिए अपने बच्चे को बड़े शौक से खिलाते हैं, ये खाओ ये 2 मिनट्स वाला ये खाओ, तो इससे हमें बचने की जरूरत है। अगर ये 3 काम हमने कर लिए तो हमारा कॉन्सेंट्रेशन एकदम बढ़ेगा। और चौथा काम जो सबसे बड़ा है वो है ध्यान, मेडिटेशन। अगर भगवान के सामने मेडिटेट नहीं करना मत करें, लेकिन कहीं एक जगह 11 बार गहरी श्वास लीजिए और धीरे धीरे छोड़िए। शुरू में बहुत दिक्कत होगी, 5-6 दिन में ठीक हो जाएगा। फिर गहरी गहरी श्वास धीरे धीरे 10 तक गिनते गिनते हुए अंदर लीजिए, 10 तक गिनते 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 छोड़िए। अंदर लेने में तो ठीक है, फ्रॉम 1 to 10 यू कैन ईजिली इनहेल, बट इन एक्सहेलेशन प्रोसेस 1 to 10 इज रियली डिफिकल्ट इनिशियली। सो बट इट विल टेक अराउंड 5 to 6 डेज एंड देन योर इनहेलेशन एक्सहेलेशन प्रोसेस विल बी नॉर्मल। और उसके बाद जो सोचना है सो सोचो, आप ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिटेशन पे मत जाओ, वो तो योगियों की बात करते हैं सीधे। आप कुछ जो सोचना है, काम वाली बाई घर नहीं आई, अब उसी पर सोचो, उसी पर फोकस करो। बर्तन अभी धुले नहीं है, मैडम डांटेंगी, देखो हंसा नहीं कोई। जो भी सोचना है वो सोचिए। हमारे दिमाग को फोकस्ड करने की आदत डलवा दीजिए बस। 15-20 दिन बाद दिमाग आपको अपने आप एक डायरेक्शन में लेके चलेगा, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हमारा दिमाग केवल हमसे चल रहा है,
जबकि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इफेक्ट्स से दिमाग गवर्न होता है काफी हद तक, तो वो फिर हमको चलाएगा, हमको सही क्या है गलत क्या है ये बताना शुरू कर देगा। और आप देखना, मैं आपको दावे से कह रहा हूँ, 15 अगर आपने ये चारों एक्टिविटीज कर ली, 15 दिन में आपका जो लेवल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है एटलीस्ट डबल हो जाएगा, और जो और सीरियसली कर गए उनका तो और भी ज्यादा। एक प्रश्न और है इधर से, अंतिम प्रश्न। जी सोचा प्रश्न जैसे मैं बहुत लोग जैसे मदद करता हूँ और सीमा ला कर मदद करता हूँ, जिसका मदद करता हूँ बाद में वो मेरा ही पैर काटता है। देखिए ये उतना ही कॉमन फीचर है जितना कॉमन फीचर है नियमित भोजन करना, और मैंने शुरू में ही इसके संकेत दिए थे, मैंने उतनी स्पष्ट तरीके से नहीं कहा जैसे आपने कह दिया। अब लंच पे आपके साथ क्या होगा मैं उसकी गारंटी नहीं लेता, लेकिन मैंने यही कहा कि अपनी लाइन बड़ी रखनी है, बस हमें अपनी लाइन बड़े करते चले जाना, एक बात। दूसरी बात, नेकी कर कुएं में डाल, सबने सुना होगा, ये सच में काम करती है चीज। मैंने जीवन में जिसको उधार दिया शुरू में ही उसने मुझे बता दिया कि उधार का मतलब है दान। और उसके बाद मैंने जिसे उधार दिया तो पनौती टल गई ऐसा मान के ही दिया, शनि का दान निकाल दिया, तो वापस की उम्मीद ही नहीं करता। नेकी कर कुएं में डाल। और मैं ये भी जानता हूं कि अगर मैं किसी को उधार दे रहा हूं तो अगले मोड़ पर जब वो मुझे मिलेगा तो वो साइड से निकलेगा या पीछे मुड़ के चला जाएगा, मुझे ये भी मतलब नहीं रहता। ठीक है, वो भी खुश कि उसने हथिया लिया और मैं खुश कि दान निकल गया, जन्म सुधर गया, कोई प्रारब्ध कट गया। तो हमें जब हम किसी की भी मदद करें, ये एक जनरल है, ये आपके लिए नहीं, केवल आपके लिए ही नहीं, जनरल बात कि हम अगर किसी की मदद करें तो कभी भी अधिकार ना जताएं, मान के चले ये हमारा था ही नहीं जो वो ले गया, और आप बहुत प्रसन्न रहेंगे, ऐसे समझ लीजिए कुंभ का दान कर आए तो आप हमेशा प्रसन्न रहेंगे। मैंने कई लोगों से ये निवेदन किया, ऐसा सोच के करा करो, क्योंकि कई बार तो रिश्तेदार ऐसा कर देते हैं, भाई बहन ऐसा कर देते हैं, तो वो भी सब बहुत प्रसन्न है। और जब आप यही मान के करेंगे कार्य तो आप भी प्रसन्न हो जाएंगे। तो बस जो चला गया सो चला गया, अब हमारा तुमसे कोई मतलब, इससे पहले वो कहे कि मेरा तुमसे कोई मतलब नहीं, आप ही कह दो मेरा तुमसे कोई मतलब नहीं, जितनी मदद कर दी थी मैंने कर दी, जय राम जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गुरु जी, एक बार आप लोग और जोरदार करतल ध्वनि से उनका आभार व्यक्त करें महत्वपूर्ण भोजन के लिए। और अब मैं सीधे सीधे औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन के लिए उड़ान के संयोजक श्री विकास सिंह जी को सादर आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और अपना धन्यवाद दें। धन्यवाद सर, सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो आज के हमारे मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता आदरणीय पवन सिन्हा सर, प्रोफेसर गुरु जी, उनका धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने अपने व्यस्ततम समय से हमारे लिए समय निकाला। आप बहुत ही बिजी रहते हैं फिर भी हमारे लिए आपने समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें सकारात्मक और बड़ी सोच कैसे रखें और एकाग्रता कैसे बनाएं, जो कि हमारे टीचिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट्स है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आगे आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि आपका मार्गदर्शन ऐसे ही हमें मिलता रहे, जिससे हम प्रेरित और प्रेरणा लेते रहें। उसके बाद हम अपने यशस्वी प्राचार्य आदरणीय रमा मैम का धन्यवाद देना चाहूँगा,
जो हमारे लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत हैं और जिनका मार्गदर्शन और सहयोग हमें हमेशा मिलता रहता है। हमारे बीच हमारी वाइस प्रिंसिपल अलका कक्कड़ मैम हैं, बर्सर सर, मंजीत सर हैं, उनका धन्यवाद देना चाहूँगा। हमारे सीनियर टीचर्स हैं, उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा। हमारे नॉन टीचिंग टीचिंग स्टाफ हैं, उन जो भी हमारे कलीग यहाँ पे उपस्थित थे, उन सभी का धन्यवाद। इस कार्यक्रम के संयोजक हमारे विजय मिश्रा सर, रोमिला मैम हैं, उनका मैं खास तौर पे धन्यवाद देना चाहूँगा। हमारे उड़ान जो सोसाइटी है उसकी प्रेसिडेंट पलक हैं, उनकी पूरी टीम को धन्यवाद। आप सभी को धन्यवाद जो भी यहाँ उपस्थित हैं, हमारे प्रिय विद्यार्थी जो हैं, स्टूडेंट्स हैं, उन सभी का धन्यवाद। धन्यवाद।